नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार अंतरजनपदीय स्तर के 50,000 इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से बचने के लिए बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिस पर जवाबी फायरिंग में बदमाश को 3 गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान गाजीपुर जनपद के सुनील राम उर्फ सिपाही के रूप में की गई है, जिस पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश सुनील पर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर आदि जनपदों में डकैती, लूट, रंगदारी और हत्या जैसे कई संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। घायल बदमाश की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। बदमाश के कब्जे से पिस्टल व कारतूस के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना के मुख्य कस्बा में मेडिकल स्टोर क्लिनिक संचालक शिवरतन यादव से कुछ दिनों पहले मोबाइल पर 5 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी। उसे लगातार धमकाया जा रहा था। रविवार रात शिवरतन के घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी। पुलिस लगातार बदमाशों की टोह में थी। इसी बीच सोमवार सुबह तरवा थाना के पट्टी भिखारी गांव में बाइक सवार बदमाश सुनील से मुठभेड़ हो गई। सुनील गाजीपुर थाने के बहरियाबाद थाना के बधाव देईपुर का निवासी है। सुनील का पिता पुलिस में बर्खास्त सिपाही है। सुनील कभी कभी कांस्टेबल बनकर भी लोगों को झांसा दिया करता था। उसका दूसरा नाम सिपाही भी प्रचलित है। पुलिस उसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। ये गाजीपुर में बहरियाबाद का एक हिस्ट्री शीटर है, सुनील सिपाही। इसके ऊपर 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं और 50,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित था। आजमगढ़ में डॉक्टर से रंगदारी मांगने के लिए उन्होंने 5 लाख की रंगदारी मांगी थी, और उस रंगदारी के जब डॉक्टर ने पुलिस को सूचित किया तो इन्होंने कल शाम को ये 2 लड़के जाके डॉक्टर के ऊपर फायर किए थे क्लिनिक पे। उसी घटनाक्रम में पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, और आज सुबह तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम जब चेकिंग कर रही थी, इन्होंने फायर किया, और जो क्रॉस फायर पुलिस ने किया सेल्फ डिफेंस में, उसमें इसको 3 गोलियाँ लगी हैं। हॉस्पिटल इसको ले आया गया है और यहाँ से इसकी हालत गंभीर देखते हुए बीएचयू रेफर कर दिया डॉक्टरों ने। क्योंकि इसके पिता पहले पुलिस में था और वो बर्खास्त हो गया था, तो ये थोड़ी कार्यशैली से परिचित था और ये कांस्टेबल बन के भी कई जगह घटनाओं को अंजाम देता था। ये गाजीपुर में एक डकैती में इन्होंने हत्या की थी, इसके अलावा बनारस में भी इन्होंने डकैती की थी, और इसके ऊपर बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया सहित कई जनपदों में 30 से ज़्यादा डकैती लूट के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है, बाकी कुछ चीज़ें और हैं उसको अभी फोरेंसिक टीम चेक कर रही है। अगली कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं।